दिखाया था ये शार्ट रास्ता था, शार्ट बड़ रास्ता था, शटर बड़ी होगा, यानी कि ये होता हुआ चाचा बरा रास्ता लोग बिस्ता, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते इस्लामाबाद में आना चाहें उनके लिए मैं गाइडनेस दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ उनको। ये शार्ट रास्ता का ऊपर से जाता है शकरपड़ियाँ, बराह रास्ता डोंग बिस्सा, ठीक है जी। उसके बाद जो आगे आएगा पुल वगैरह वो भी शकरपड़ी की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं इधर। और ये सीधी सड़क जो जा रही है ये फैसल मस्जिद जा रही है। पीछे हम यहाँ पे थोड़ा रुक गए थे, यहाँ पे हम रुक चुके थे। ये जो पुल है दोबारा से दिखा रहा हूँ, 0.0 और ऊपर यही पुल मिलाता है शक्करपड़ियों को, ठीक है जी। और सामने आपको नज़र आ रहा है ज़रई तरबियाती बैंक इस्लामाबाद का, ऊंची बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये ज़रई तरबियाती बैंक है इस्लामाबाद 0.0। फैसल मस्जिद के साथ जो मुझे सड़क बताएँ इधर से मुड़ेंगे तो सामने मोटरसाइकिल पर तीन टिकटों पर जा रहे हैं, ये वीडियो बनाएंगे इधर अभी लगे थे आइए। चेक कर कितनी की बनी है, थोड़ी जी बनाई है। F7237 में पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, और हमारी दाएं जाने जू और दामने को जो रास्ता जाता है अभी आपको उसका विजिट कराएंगे दामने को। आपको मोंकी नज़र आ रहा है, ये पीछे रुक रहा है, पीछे ये मोंकी रोड पे हैं, ये इस्लामाबाद का यानी कि फैसल मस्जिद की बैक साइड है। यहाँ पे डस्टबिनों में यहाँ पे कुछ लोग फेंक देते हैं, तो ये देखें, तो ये डस्टबिन में लोग जो घर वाले कचरा फेंकते हैं ना, तो ये फैसल मस्जिद के बिल्कुल साथ हैं हम, तो ये डस्टबिन में से खाने के लिए। ये आप देख रहे हैं तीन बंदर हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा वो पहाड़ी एरिया है, जंगल है, फैसल मस्जिद है, और ये देखें आप ऊपर दरख्त से नीचे उतर रहा है ये, तो ये ऊपर भी है एक,
ये ट्रेल 5 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइकिंग के लिए हाइकिंग ट्रेल 5। ये सुबह के लिए बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सारे यानी के हाइकिंग के लिए आए हैं, सुबह की सैर के लिए आए हैं। ये ऊपर यानी के पहाड़ी के सीधी जो सड़क जाती है, ये मैं दिखाता हूँ, ये दामने कोक तरफ इस साइड पर निकलती है और यहाँ पे सारा ये पैदल का रास्ता है। ये ऊपर यानी के पीर सुहाब तक जाती है, ये मैं रास्ते में सारा आपको गाइड करता जाऊँगा और मेरे साथ रहिएगा। चक्कर लगाया उसके बाद मैं एक दो दफ़ा गया हूँ इस साइकिल में, कौन है याद होगा एक पता था। राणा आसफ हैं दोस्त मेरे और इनके साथ इनका कोई दोस्त यहाँ इस्लामाबाद में मिल गया, उनसे ये गपशप कर रहे हैं। साइकिलिंग पूरी टीम आई है इधर ट्रेल 5 में, राणा आसिफ राणा और यहाँ से हम शुरू होंगे हाइकिंग ट्रेल 5। यहाँ से ऊपर जाएंगे, और यहाँ से हम इंटर हो चुके हैं हाइकिंग के लिए। यहाँ से रास्ता शुरू होता है और यहाँ से जो रास्ता ऊपर जाता है ये बरी सरकार रहमतुल्ला, यहाँ उनकी एक बैठक है। उर्दू में मैं आपको बताता हूँ लेकिन आप यहाँ पे तर्जमा इसका कर लीजिएगा। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, हाइकिंग ट्रेल 5 पे शुरू होंगे हम, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये सामने बरगद का दरख्त है और इससे आगे जो ये बोर्ड लगा हुआ था उसके पास ही आप दरख्त देख सकते हैं। ये बहुत ही पुराना कोई दरख्त है, मुझे नहीं इल्म का कितना पुराना होगा, ये काफ़ी पुराना दरख्त है, ये बोर्ड का दरख्त शायद इसे कहते हैं। और यहाँ पे वो बैठते थे, ये आप जगह देख सकते हैं, यहाँ पे उस वक्त ये बैठा करते थे। यानी कि सुबह के वक्त काफ़ी परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ये बच्चा रास्ते में मिला, इसको मैं पूछ रहा हूँ तो ये ऊपर नहीं गए कह रहा हम तो, लेकिन हम ऊपर जाने वाले हैं। वो ठीक हो बेटा? ठीक हो, शुक्र अल्लाह का। हाथ कर दें जी, हाथ कर दें। अल्लाह हाफिज। ये रास्ते में शुरू होते ही मारगल्ला की पहाड़ियों का नक्शा बना हुआ है, ये मारगल्ला, क्योंकि ये जो साइड पे है फैसल मज की बैक साइड लगती है, तो ये दामने को की पहाड़ियों के ऊपर पूरा बताया गया। राणा सब मेरे साथ साथ हैं।
और यहाँ पे कुछ टिकटॉकर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तैयारियों में। अगर आप थक जाएं, जंगल में थक जाएं, बैठने के लिए जगह बनाई गई है। मैं कुछ वीडियो के शॉट भी ले रहा हूँ साथ साथ, और राणा आसफ मेरे थोड़ा आगे हैं। यहाँ पे इत्याती तवाबीर जंगल में जाने के लिए पूरा आप पढ़ सकते हो, ख़िलाफ़ वर्जी मत कीजिएगा। ये ट्रेल हैं इधर दिखाए गए हैं, क्योंकि जो नए लोग इधर आएंगे इनका एहतियात आपने लाजमी करनी है। ये जो रेड कलर का लाल है, जो क्या कलर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं जाना, और जो बताया गया उसी पे अमल कीजिएगा। इधर भी आप देख सकते हैं डॉग और पैट्स स्मोकिंग फायर, स्मोकिंग फायर डॉग, ये वो सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो आप रहिएगा यासिन अंसारी के साथ, मेरे साथ हैं राणा आसफ, आप मेरे साथ रहेंगे। बोर्ड है नेशनल पार्क बोट, ये आप देख सकते हो पूरा इसको मुकम्मल। उसके बाद सफ़र हमारा जारी है। सुबह की वाक के लिए हम निकले थे आज इस्लामाबाद में, राणा आसफ को मैंने अपने साथ लिया कि मैं चलते हैं, तो हम निकल पड़े हैं इधर। तो ये पूरा विज़िट आज आपको कराएंगे मारगल्ला की पहाड़ियों का, और ऊपर पीर सुहावा तक हम जाएंगे। हेलो गाइस, यासिन अंसारी सुबह यहाँ पे चश्मा आप देख सकते हैं, ऊपर से पानी आ रहा है मारगल्ला की पहाड़ियों से, ऊपर से आ रहा है, और बहुत ही प्यारा मंजर है। अगर आपका इस्लामाबाद में आना हो तो मैं कहता हूँ ट्रैक नंबर 5 पे आप ना आए हाइकिंग के लिए, तो आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ज़रूर आइएगा। राणा आसफ थक चुके हैं, अभी आधा घंटा हमने वाइक कर लिया तकरीबन। किस तरह जमीन, अच्छा आप देखते हो छोटी सी आबशार आ रही है, राणा नज़र रखिए उससे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त मंजर है इस्लामाबाद का, ज़बरदस्त। यहाँ पर पौधा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मेरे हाथ में, ये इसको बांस का पौधा, ये बांस है, अभी ये छोटा है, यानी कि आप देख सकते हो ये बांस है। ये जंगल है, यहाँ पर कई किस्म के तो ऐसे दरख्त के पौधे नज़र आएंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एंड तक यासिन अंसारी के साथ रहिएगा। आप देखेंगे इस्लामाबाद में जो मारगल्ला की पहाड़ियों से ऊपर ये पानी नीचे आ रहा है चश्मा, और आबशार भी कह सकते हो आप इसको, छोटी सी आबशार है। लेकिन यहाँ पर कुछ भाई मुझे देखते हैं सियालकोट से, सियालकोट की तहसील से, डस्के से मेरा तल्लक है, और मेरे साथ राणा आसफ हैं। तो ये भी कुछ लोग पंजाबी में कहते हैं बात किया करो, कुछ तो पंजाबी से गल कर लेने भाई जान, पंजाबी तो आती है ऐसी बात, सॉरी फिर उर्दू में हो जाता क्योंकि मैं उर्दू में बात चलती है ज़्यादा, तो मैं पंजाबी से गल करना भाई जान तो तुम्हें अगर आओ इस्लामाबाद मारगल्ला की पहाड़ियों की बैक साइड के उत्ते जो ट्रैक 5 मैं दसिया थोड़ा है, कहेंगे मेरी वाक
इतने तक जावगा तो मेरे ना रहे हो तो ये यानी कि इतने पीर सुहावा वो जगह का ना है यानी कि पिछले जगह का ना है पीर सुहावा उत्ते सड़क है जी दाम ने कौन मिलाती है तो उतने तक मेरे ना आ जाए कि पंजाब की गर्मी के मारे भाई हास्ते क्योंकि पंजाबी मैं गल कर रहा तो जो लोग कहें पंजाबी बोलिया करो अंसारी साहब तो अंसारी साहब आदर थोड़े सामने पंजाबी गल कर रहे हैं खुश हो और खुश हो तो यहोजी चीज़ों को आया करो देखो उसे इन्नी गर्मी है इसे सुबह का मौसम है यानी कि सैर कर लो वाक कर लो जो ट्रैक बनाया उस करके मैं सुबह निकलिया नमाज तो बाद इधर से आए हैं दोस्त ने मैं ना लिया तो अगे अगे चल के तुम विखाने और की सीन है की मंजर है और कौन कौन इतना है इस्लामाबाद जंगल है ये देख सकते हो जंगल च मंगल बड़ी सरकार भी बैठी थी तुम रस्ते में विखाई है तो जंगल च मंगल हो चुके आज लग जी। इससे आगे का सफ़र हमने शुरू कर दिया है, हमने जो कुदरती आबशार जो दिखाई है मैंने आपको उससे आगे सफ़र ये सारा ट्रैक है शुरू कर दिया हमने दोबारा सफ़र। वो यकीन करें कुछ लोग देखेंगे यासिन सारी साहब ने ये क्या दिखाया, हमें जंगल दिखाया यानी कि ये दरख्त दिखा दिए। यकीन करें दिखाने का मकसद मेरा यही है कि आप इस साइड पर आएँ तो आप देखेंगे मौसम भी आज अल्लाह ताला की तरफ से हमें यह गिफ्ट मिल गया और सामने पहाड़ी नज़र आ रही है यानी कि ये पीर सुहावा की पहाड़ी है फैसल मस्जिद की पहाड़ी है ना आसिफ। अच्छा जाते जाते रास्ते में आप देख सकते हैं ये रास्ता है और यहाँ पे ये बोट ऐसे नज़र आ रहा है ये जैसे कोई रोडों पे आप जाते हो जीटी रोड पे पता लगता है लाहौर इतने किलोमीटर है। ये भी कुछ ऐसा ही है, ये मैं दिखाता हूँ करीब से। ये ट्रेल 5 का है जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया था, यहाँ पाँव का निशान दिया गया ये आप देख सकते हो और इसके आगे ये सफ़र हमारा शुरू। यहाँ पे जंगल में जो पौधे आपको नज़र आएंगे उनमें क्या क्या है आप ये देख सकते हैं, कचनार है, सरफेस कचनार है, आम है, खजूर, बेर, ये सारा ऊपर नज़र आ रहा है आपको। साथ में यहाँ पे वाशरूम दिया गया है और जो यहाँ पे परिंदे हैं जंगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। शिकरा भी आया जी कल की, वो लाल चिड़िया हमने देखी है, ये और चिड़िया देखी है और ये सफ़ेद कल की वाला बिन कुकड़ देखा हमने, कुकड़ देखा ना जी जी हाँ जी। चलो आओ फिर कॉमन बर्ड्स ऑफ मालवा हिल्स नेशनल पार्क पानी दिखाया होगा और नो स्मोकिंग। नमाज पढ़नी है अगर आपने टाइम हो जाए, जैन नमाज रखी गई यहाँ पे। चलते रास्ते में एक और आ गया, ये आप देख सकते हो कि बारिश है, थोड़ा कीचड़ है, उसकी वजह से थोड़ा ये गंदा हो चुका है क्योंकि ज़मीन में नीचे बनाया गया ये। और रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये आपको इस चीज़ का एहसास दिलाता जाता है कि आपका सफ़र कितना रह गया जो आपने पैदल ऊपर करना है ट्रैक। और मैं वीडियो के चक्कर में हूँ, जो वीडियो क्लिप्स में ले रहा हूँ और आसफ पता नहीं वो आगे नज़र आ गए, वो काफ़ी आगे निकल चुके थे, अब मुझे नज़र आए हैं, नज़र ही नहीं आ रहे थे। माशाल्लाह ज़बरदस्त मंज़र आया है और बड़ी प्यारी सिंदरी नज़र आई है पहाड़ियों की भी और ये भी। और थोड़ा ये है कि सुबह के टाइम में कभी बारिश हुई होगी यहाँ पे जिसकी वजह से कोई कीचड़ वगैरह हो चुका है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं चलते हैं। एक और आ गया फुट स्टैप रस्ते में, ये जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद किए गए। वीडियो को स्किप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ यानी कि सफ़र तो काफ़ी है तो मैं ये चलते जा रहे हैं, सुबह की वाक मारी होती जा रही है और आके करेंगे नाश्ता, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे नाश्ता। और अगर आप यहाँ पे आना चाहें, यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, सिक्योरिटी के जवान तैनात हैं असले से भरपूर क्योंकि ये जंगल है तो यहाँ पे जगह जगह आपको वो भी अगर नज़र आए दिखाएंगे, वो वॉक करते हैं और वो दिखाते हैं।
कि हम इधर हैं, कोई ऐसा वैसा यहाँ पे वाकया नहीं हो सकता आपके साथ ना, तो आप ज़रूर तशरीफ लाइएगा इस्लामाबाद सारे वॉक के लिए। लेकिन हम सुबह कुछ लेट हो गए थे नमाज के बाद, तो लोग वापस आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है। और ये जगह जगह रास्ते में आते हैं, लेकिन बारिश की वजह से ये कुछ मद्दम हो चुके हैं, नज़र नहीं आया, पता नहीं चलता कितना सफ़र हमारा बाकी है जो रह चुका है यहाँ पे। राणा आसफ भी खड़े हो गए हैं मुझसे आगे थे थोड़ा, तो ये राणा आसफ भी भीग रहे हैं, देखो मैं तो मुकम्मल ही भीग चुका हूँ। Hello, Mr. Yasin. This track is going to harder and harder now. Very good. Okay. Aho. हम कुछ हाइट पे आ चुके हैं ऊपर, और बारिश अभी चल रही है आप देख सकते हैं, और ये ऊपर की ये पहाड़ियों का नज़ारा, और ये साइड पे मेरे साथ मौजूद हैं यासीन अंसारी, और मेरे साथ मौजूद है राणा आसफ भाई। आप पीछे कीजिए कैमरा ताकि आसफ अपने बैल को छुपा रहा है छापर के अंदर, क्योंकि बारिश तेज है, मेरा बैल भीग रहा है। ये खान साहब आए हैं ऊपर से, कह रहे हैं अभी काफ़ी रास्ता है लेकिन बारिश काफ़ी आ चुकी है, तो बारिश में भीग चुका है बैल भी मेरा। ठीक है जी, हाथ ला दीजिए जरा। ये अपने दोस्त हैं खान साहब, वेरी गुड, थैंक यू। अब लाइक हिम, फॉलो हिम, लाइक करें भाई को, फॉलो शेयर करें, मेहरबानी, शुक्रिया। साहब जुमे का टाइम होने वाला है, चलते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है आज, तो बारिश में कपड़े हमारे भीगे हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं, तो कपड़े सारे ही हमारे भीग चुके हैं, तो बारिश अब थोड़ी रुकी है। ये साथ में आबशार है या कुदरती, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये हम माशाल्लाह आप परिंदे देख सकते हैं यहाँ, कितने खूबसूरत परिंदे हैं, आप देखिएगा। जंगली मुर्गा, ये मुर्गा है जंगली, वो जो जा गया है, और ये दिखाता हूँ और भी हैं, आप ये देखें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं, बहुत खूबसूरत, ये आप क्लोज से देख सकते हैं। तीतर भी है, चुप चुप चुप, और यहाँ पे हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, इतनी टॉप है ये कि पहाड़ी आप देखें, और ये साथ में जो है रावल डैम आपको नज़र आ रहा है इस व्यू में, ये रावल डैम है यहाँ पे, और जिस पहाड़ी के ऊपर मैं मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, ये मारगल्ला की पहाड़ी कहलाती है, और मेरे राइट जानब फैसल मस्जिद है। यहाँ जगह जगह पे आप देखते हैं ये बोतलें वगैरह लोग पी के फेंक देते हैं, और ऊपर भी मैंने काफ़ी देखी हैं रास्ते में, और जगह जगह दस्तबीनें लगाई गई हैं, अब देखें वहाँ पे फेंकें, जो यहाँ आए उनके लिए मेरी गुजारिश यही है कि जो कचरा होता है अपने शापर में साथ लेके जाएं, दस्तबीन बनी हुई है, थोड़े थोड़े फासले पर दस्तबीन बनाई गई हैं, उसमें डालें कचरा, अपना पाकिस्तान को साफ रखें, ये आपका और हमारा इखलाकी। आप ये रास्ता जा उठेगा बेचा जाए उठेगा उठेगा चलो ऐसे नहीं तुम चलो ये आमले का दरख्त है, ये पता नहीं किस चीज़ का है, और राणा साहब ऊपर इसके गए हैं जंगल में, एक जंगल में काफ़ी है ऊपर, काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है इस पर, आप देखें ये देखें, और राणा साहब ऊपर जा रहे हैं। Thank you.
आसफ साहब थक चुके हैं जी, बैठे हुए हैं आसफ साहब। राणा नहीं थकता राणा थक गया आज, और काफी दो घंटे से हमें बारिश में भीग गया यहाँ पे। अभी दोबारा से वीडियो मैंने ऑन किया तो रेस्ट है, और देखें ये पहाड़ियों में कैसे, यानी के जैसे जैसे स्मोक है। और ये कुछ टिकटॉक और भाई हैं, इनके सेटिंग कराई है मैंने कैमरे की इनसे, तो ये लगे हुए हैं अपनी मस्तियों में। ये देखें बारिश में भीग भीग के, ये मेरी सॉक्स का हाल है। ठीक है, ये आप सॉक्स चुके हैं। ऊपर से हम वापस आ चुके हैं जी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, दो घंटे बारिश में रहे हैं, सही तरीके से हम वीडियो बना ही नहीं सके, तो वापस वहीं से आ गए हैं जहाँ से आगाज़ किया था। ये वापस आ चुके हैं जी, हाइकिंग ट्रेल 5। चलो जी राणा साहब, ले आओ मोटरसाइकिल।